चलो ध्यान से देखना, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले ये सारी चीजें देख ली थी, फ्रेंड सोसाइटी कैसे डिवाइडेड है और ये सारी कहानी, हाँ ठीक है ना। रोल ऑफ मिडिल क्लास देख लिया था, लोअर ऑफ फिलोसोफर देख लिया था। यहाँ पर तुम्हारा फ्रेंड्स ट्यूशन का फर्स्ट यूनिट क्या होता है, खत्म, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट किस चीज से स्टार्ट होता है, व्हाट हैपेंड इन एस्टेट जनरल इन 1789। 1789 में एस्टेट जनरल में क्या हुआ था। तो हमने कहा कि 5th मई 1789 को फर्स्ट एस्टेट के 300 लोग, सेकेंड एस्टेट के 300 लोग और थर्ड एस्टेट के 600 लोग कहाँ आए, एस्टेट जनरल में। ये जो थर्ड एस्टेट के 600 लोग आए थे, ये अपने साथ 40,000 लेटर्स लेकर आए थे। किस चीज के, अपनी ग्रीवियंसेस और डिमांड्स के। ग्रीवियंसेस मतलब वो क्यों परेशान है राजा के रूल से और वो राजा से क्या डिमांड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी तक एस्टेट जनरल में जो वोटिंग का रूल था वो क्या था, वन एस्टेट वन वोट। क्यों नुकसानदायक था ये चीज, क्योंकि फर्स्ट जब भी टैक्स बढ़ाने की बात आएगी तो क्या फर्स्ट स्टेट बोलेगा हाँ बढ़ाओ, हाँ। क्यों, क्योंकि फर्स्ट स्टेट को टैक्सेस भर रहे हैं क्या, नहीं। सेकेंड स्टेट वाले भी क्या बोलेंगे, हाँ बढ़ा दो, क्यों, क्योंकि उन्हें भर रहे हैं क्या, नहीं। थर्ड स्टेट वाले परेशान होंगे, हाँ। अब अगर थर्ड स्टेट वाले बोलेंगे कि टैक्स नहीं बढ़ाओ लेकिन फर्स्ट और सेकेंड वाले बोलेंगे बढ़ाओ, तो मेजोरिटी किसकी हो जाएगी, टैक्स बढ़ाने के फेवर में, क्योंकि टैक्स बढ़ाने के फेवर में मेजोरिटी हो जाएगी। तो हर बार इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, टैक्स बढ़ते जाएंगे और इन टैक्सेस का बर्डन सीधे किस पे आएगा, सिर्फ थर्ड एस्टेट। इसलिए थर्ड एस्टेट के लोगों ने बोला कि इस बार अगर वोटिंग होगी तो इट शुड बी बेस्ड ऑन वन पर्सन वन वोट, इट शुड बी बेस्ड ऑन वन पर्सन वन वोट, ठीक है ना। लेकिन राजा ने इनका ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, राजा ने इनका ये प्रपोजल क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आई बात समझ में, इसलिए राजा ने बोला अगर ऐसे थर्ड एस्टेट वाले करेंगे क्या, कि हम लोग वन पर्सन वन वोट दे तो 600 लोग ऑलरेडी है, इसमें से ये सभी बोल देंगे टैक्सेस मत बढ़ाओ, मानो एक आता भी फर्स्ट या एस्टेट सेकंड एस्टेट से बोल देता है नहीं थर्ड एस्टेट की डिमांड क्या है, जस्टिफाइड है, तो टैक्स नहीं बढ़ेंगे। और अगर टैक्स नहीं बढ़ेंगे तो हमने याद करो फर्स्ट एस्टेट बढ़ा, टैक्स बढ़ाना क्यों जरूरी था, क्योंकि राजा के पास पैसों का क्राइसिस था, पैसे नहीं थे, तो टैक्स इनको किससे लेने थे, थर्ड स्टेट वालों से लेने थे। इसलिए राजा ने इनका प्रपोजल क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। Due to this rejection, third estate वाले भी लोग इस बार बहुत गुस्से में थे। क्यों गुस्से में थे, अब उनको समझ में आ गया था। Philosophers ने इनके अंदर ये तो डाल दिया था कि आप लोग के साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो इसलिए थर्ड एस्टेट के लोग वहां से क्या हो गए, वॉकआउट कर गए इन प्रोटेस्ट, यार हमको तो क्या करना है, ये जो भी मीटिंग हो रही है टू प्रपोज न्यू टैक्सेस, हमें ये अटेंड ही नहीं करनी है। आई बात समझ में, ठीक है। अब 5 मई के बाद ये कब मिले, 20 जून को मिले। कहाँ मिले, हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट, ठीक है ना, ग्राउंड ऑफ कर्जन। कहाँ मिले, हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट ऑन ग्राउंड ऑफ कर्जन। कब मिले, 20 जून को। इन्होंने खुद को ही नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, इन्होंने खुद को खुद ही से क्या कर दिया, नेशनल असेंबली डिक्लेयर, इन्होंने खुद को ही नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और कसम खाई, दे स्वोर दैट They would not disperse. ये वहां से नहीं हिलेंगे, कब तक नहीं हिलेंगे, जब तक ये फ्रांस की एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ड्राफ्ट करते थे और जब तक ये राजा के पावर को लिमिट नहीं कर देते। तो उन्होंने कितनी कसमें खाई, दो बोला हम यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक, वन हम फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट ना कर लें, टू हम राजा के पावर्स को लिमिट ना कर दें, दैट दे स्वोर दे वुड ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस and limit the power of monarch. Is that clear? Next. इन लोगों को जो हमारी self proclaimed national assembly थी, दो लोगों ने support किया था, एक कौन था, मिराबियू, एक कौन था, एबेसिस। मिराबियू अपने आप में एक noble family में born हुआ था, मतलब एक noble था, लेकिन इसको लगता था कि जो privileges based on birth मिल रही ये सारी क्या है, गलत है, इनको हमको क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। ये एक जर्नल भी लेकर आया था और बहुत सारी पावरफुल स्पीचेस उसने क्या करी थी, डिलीवर करी थी, ठीक है, कि यार ये सब गलत हो रहा है, थर्ड स्टेट पे इतना बर्डन नहीं जाना चाहिए, सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, जितनी भी प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ है इन सबको हटा देना चाहिए। सिमिलरली
एक और इंसान था जिसका नाम था एबेसिस, जो इनिशियली क्लर्जी जो किसको बिलोंग करता था, फर्स्ट एस्टेट को बिलोंग करता था, ठीक है। इसने भी एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा था, व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, जहां इन्हें लिखा था कि थर्ड एस्टेट किस तरीके से सफर कर रहा है, ठीक है। अब यहां तक तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लोगों के अंदर आग लग चुकी थी, वो लोग बिल्कुल रिवॉल्ट करने के लिए क्या तैयार थे, रेडी बैठे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो आता है, लेकिन लोग रोड पर कब उतरे, रेवोल्यूशन कब हुआ, रेवोल्यूशन का इमीडिएट कॉज क्या था, ठीक है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं व्हाट लेड टू आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, व्हाट लेड टू आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, लोग कब गुस्से में आके रोड पर आ गए। तो जहां एक तरफ नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में बिजी थी, पूरा फ्रेंच टर्मोइल में था, टर्मोइल मतलब टेंशन में था, ठीक है ना। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ी थी। याद करो हम लोगों ने सबसिस्टेंस क्राइसिस पढ़ा था, ड्रॉट, या तो जब सूखा पड़ जाता है तब परेशानी होती, या जब हेल, या फिर हेल जब बर्फ या ठंडी बहुत ज्यादा आ जाती, तो उससे भी क्या होता है, क्रॉप्स खराब हो जाते। तो पूरा फ्रांस क्यों खराब परेशान था, क्योंकि बहुत सीवियर विंटर आया था, ठंड बहुत ज्यादा थी, तो इनका हार्वेस्ट बहुत खराब हुआ था, मतलब गेहूं बिल्कुल भी अच्छे से नहीं उगी थी। प्राइसेस किसके बढ़ गए थे, ब्रेड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और क्योंकि ब्रेड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो जो भी बेकर्स थे उन्होंने सप्लाईज को होल्ड कर लिया था। होल्डिंग ऑफ सप्लाईज का मतलब होता है कि आपके पास सामान तो होता है लेकिन आप बेचते नहीं हो, क्यों, क्योंकि आपको लगता है जब लोग और परेशान होंगे ना, तो वो और महंगे में खरीदने को क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तो हम तब बेचेंगे, दैट इज नोन एज, हां, दो तीन दिन में क्या होता था, प्राइस बहुत बढ़ जाते थे। मतलब समझो आज ब्रेड, पहले तो ऐसा होता था कि 5 दिन रखना है, आजकल जैसे रूल है गवर्नमेंट, पहले ये सारे रूल्स नहीं हुआ करते, तो आपको पता है लोग भूखे मर रहे हैं, तो उनको 2 दिन तक भूखे मरने दो, तब तक उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ऐसे में वो ज्यादा रेट पे जीते खरीदने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए बेकर्स ने क्या करा, सप्लाईज क्या कर लिए, होल्ड कर लिए, इसलिए उनको पता था कि ये हायर रेट,